सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसमें मकान दुकान बनाकर किराया वसूलने वाला 10,000 का इनामी भूमाफिया भाजपा नेता को छतरीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। छतरीपुरा पुलिस ने एक ऐसे भूमाफिया को गिरफ्तार किया है जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसमें मकान और दुकान बनाकर किराया वसूल कर रहा था। आरोपी भरत रघुवंशी भाजपा नेता बताया जा रहा है। इससे पहले आरोपी भरत कांग्रेस का कद्दावर नेता माना जाता था, लेकिन नगर निगम के चुनाव के टाइम पर एंड मौके पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ था और कुछ समय पूर्व ही भाजपा ने एल्डरमैन बताया था। रहवासियों ने शिकायत की थी कि आरोपी भरत रघुवंशी, जो कि भाजपा का नेता बताया जाता है, और उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसके बाद छतरीपुरा पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी संबंधित मामला दर्ज किया था। तब से ही आरोपी फरार चल रहा था। एसपी पूर्व ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी को पकड़ने के लिए कई प्रदेशों में टीम भी भेजी गई, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आया। बुधवार को सूचना मिली कि आरोपी भरत रघुवंशी ट्रेड सेंटर के पास बैठा हुआ है। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा गया है। ये दिसंबर 2019 में एक अपराध कायम होता 444/19, और इसमें जो धाराएं थी वो 420, 447, 384, 506 और 34 IPC। ये पांच आरोपी थे इसमें, भारत पिता राम सिंह रघुवंशी, राज बहादुर, मनोज रघुवंशी, रोहित रघुवंशी और विकी उर्फ कपिल रघुवंशी। ये इनके ऊपर जो FIR थी वो ये थी कि इन्होंने शासकीय जमीन, जो नगर निगम की जमीन थी, उस पर इन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया था और उस पर दुकानें बनाकर उनसे किराया वसूल कर रहे थे। ये वहाँ के रहवासियों द्वारा शिकायत की गई थी। इस पर से जब कायमी के बाद में दो लोगों को पुलिस द्वारा उसी समय गिरफ्तार कर लिया था, राज बहादुर रघुवंशी और मनोज रघुवंशी। जो तीन आरोपी थे ये घटना दिनांक से ये फरार चल रहे थे और पुलिस ने हर संभव कोशिश की। बाद में पुलिस ने धारा 73 CRPC के तहत जो वारंट जारी होना होता है वो भी करवाया, और जो भगोड़े जो अपराधी होते हैं इन पर जो इनाम घोषित किया जाना होता है वो भी इनाम भी घोषित किया। तीनों आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम है। कल पुलिस को एक बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से और मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये दो अपराधी हैं, भारत और रोहित। ये भारत रोहित जो है वो ट्रेड सेंटर के पास में किसी जगह पर बैठे हुए हैं और वहां पर एक टीम को भेज के TSF स्वयं गए थे और गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।